नमस्कार, प्राइम 100 में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ में श्वेता करकर। आइए नजर डालते हैं देश दुनिया की 100 बड़ी खबरों पर। कंगना रनौत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका, अभिनेत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट को सेंसर करने की मांग। फेसबुक सीईओ मार्क जुकरबर्ग पर एफआईआर। सोशल साइट पर बनाए गए बुआ बबुआ पेज को लेकर कन्नौज में हुई कार्रवाई। कैलिफोर्निया भी भेजी गई रिपोर्ट। गुजरात उच्च न्यायालय की सलाह, जरूरत पड़े तो अवैध बहुमंजिला इमारतों पर हथौड़ा चला न सके। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़, ऑपरेशन जारी। केंद्र सरकार की बड़ी पहल, एमएसपी पर समिति के लिए संयुक्त किसान मोर्चा से मांगे 5 नाम। ओमिक्रॉन के चलते आज से अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए कड़े नियम लागू, राज्य सरकारें भी अलर्ट। ओमिक्रॉन से अलर्ट मोड में देश महाराष्ट्र में हवाई यात्रा के लिए गाइडलाइन जारी। गुजरात के 10 शहरों में नाइट कर्फ्यू। सिलीगुड़ी में एचआईवी से मरने वालों का कैंडल जला दी गई श्रद्धांजलि। बिहार विधानमंडल में आया दरभंगा के उप राजधानी बनाने का प्रस्ताव। सीमांचल में धारा 371 के लिए उठी आवाज। कांग्रेस की भाजपा सांसदों को सलाह, संसद में उठाए दिल्ली में प्रदूषण की समस्या का मामला। नवजोत सिद्धू ने खुद को सीएम फेस के रूप में किया पेश, कहा 2022 के बाद योजना बता रही। कांग्रेस नेता एवं कर्मचारी कल्याण बोर्ड के पूर्व उपाध्यक्ष डॉक्टर सुरेंद्र सिंह मनकोटिया ने कहा, मुख्यमंत्री कर्मचारी हितैषी नहीं, जेसीसी बैठक कर्मचारी को नहीं हुआ कोई फायदा। बंगाल सरकार ने नदिया दुर्घटन पीड़ितों के परिवारों को दी आर्थिक सहायता, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से जताया दुख। राज्यपाल मनोज सिन्हा का बड़ा बयान, जम्मू कश्मीर राज्य का दर्जा संसद ने दिया, संसद ही लौटाएगी, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा। फ्री स्मार्टफोन और टैबलेट का इंतजार अब खत्म, यूपी की योगी सरकार इसी माह से करेगी वितरण। मुरादाबाद में सीबीआई ने प्रथमा बैंक की शाखा प्रबंधक को रिश्वत लेते दबोचा। यहां गाजीपुर में शिक्षा माफिया पर बड़ी कार्रवाई, नकल कराने व पेपर आउट कराने के आरोप में करोड़ों की संपत्ति कुर्क। अभियान शुरू करने से पहले किन्नर सोनम ने लिया सीएम योगी आदित्यनाथ से आशीर्वाद। यूपी चुनाव में जन्ना बनाम गन्ना पर घमासान पोस्टर के जरिए भाजपा ने योगी सरकार की सपा सरकार से की तुलना। में
कोटेदार के खिलाफ ग्रामीणों का हल्ला बोल, कोटेदार पर धन उगाही का लगाया आरोप। देवरिया में नाले में गिरी मासूम बच्ची, हादसे में गई बच्ची की जान। हाथरस में सपा जिलाध्यक्ष ने निकाला कैंडल मार्च, फूलगड़ी की बेटी की याद में निकाला मार्च। कानपुर में बैंक ऑफ महाराष्ट्र की हुई बैठक, रिटेल और एमएसएमई एक्सपो के बारे में दी गई जानकारी। मैनपुरी में हेलीकॉप्टर में हुई दुल्हन की विदाई, विदाई में उमड़ी लोगों की भीड़। संबल में स्वास्थ्य संविदा कर्मियों ने किया प्रदर्शन, 7 सूत्रीय मांगों को लेकर दिया धरना। संबल में स्कूल का हाल बेहाल, एक शिक्षक के सहारे चल रहा है स्कूल। संबल में सिपाहियों ने किया प्रदर्शन, 1 साल पहले हुए हत्याकांड को लेकर सौंपा ज्ञापन। सिद्धार्थनगर में बीजेपी को लगा बड़ा झटका, बीजेपी नेता ने थामा बसपा का दामन। उन्नाव में प्रेमी जोड़े ने लगाई फांसी, गांव के बाग में लटका मिला शव। लखीमपुर खीरी में लगातार 4th दिन जारी किसानों का प्रदर्शन, सहकारी गन्ना समिति में प्रदर्शन जारी। आगरा में अधिवक्ता के पिता की हत्या का मामला, 11 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण पर हुई बैठक, सीमित चेयरमैन की अध्यक्षता में हुई बैठक। आजमगढ़ में हाथरस कांड पर सपाइयों ने दी श्रद्धांजलि, योगी सरकार पर जमकर बरसे सपा जिलाध्यक्ष। फरीदाबाद में ट्रैफिक पुलिस ने कसा शिकंजा, बड़ी संख्या में वाहनों के काटे चालान। फरुखाबाद में डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मियों ने की हड़ताल, सीएमओ कार्यालय पर किया धरना प्रदर्शन। हमीरपुर में लव जिहाद का मामला आया सामने, युवती पर बनाया धर्म परिवर्तन का दबाव। लखीमपुर खीरी में चौकी प्रभारी की सराहनीय पहल, स्कूलों में लगवाई शिकायत पेटिका। मैनपुरी में दिव्यांग खेलों का हुआ आयोजन, प्रतियोगिता में बच्चे ने लिया भाग। गल्ला व्यापारियों ने किया प्रदर्शन, NH92 को किया जाम। मैनपुरी में सपा एमएलसी का ऑडियो हुआ वायरल, राष्ट्रीय महासचिव के भांजे को बोले अपशब्द।
सोनभद्र में बिजली विभाग के खिलाफ प्रदर्शन, हाथों में मीटर लेकर किया प्रदर्शन। अंबेडकर नगर में युवक की लाश मिलने से मचा हड़कंप, हत्या करके फेंकी गई युवक की लाश, सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस। चमोली में आपने किया जनसभा का आयोजन, जनसभा में नहीं शामिल हुए कर्नल अजय कोठिया। चमोली में मौसम ने बदली करवट, शीतलहर चलने से गिरा पारा। कोरोना को लेकर उत्तराखंड सरकार अलर्ट, स्कूल कॉलेज रेलवे स्टेशन पर होगी सैंपलिंग। देहरादून 4 दिसंबर को जाएंगे पीएम मोदी, जनसभा को संबोधित करेंगे पीएम। कोरोना को लेकर उत्तराखंड सरकार अलर्ट। जनसभा को संबोधित करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। मेले और त्योहारों का हुआ आयोजन। सोहलपुर में किसान ने ठेकेदार पर लगाया आरोप, फसल नष्ट करवाने का लगाया आरोप। सुमन नगर में वन विभाग की टीम ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन, 12 फीट लंबे अजगर का किया रेस्क्यू। हरिद्वार में 15 चौकी प्रभारी समेत 32 दरोगाओं के तलाबले, उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को देख हुआ फेरबदल। पूर्व सीएम हरीश रावत बोले, हार के डर से लिया देवस्थानम बोर्ड पर फैसला। आपदा में नैनीताल की नहरें क्षतिग्रस्त होने से 25,000 हेक्टेयर खेती प्रभावित। मुख्यमंत्री धामी ने कहा, काशीपुर व जसपुर के बीच जलदर करेंगे सिडकुल की स्थापना। मंत्री यशपाल आर्य बोले, चढ़े 4 साल तक भाजपा के घुटने में महसूस की। ओमिक्रॉन वेरिएंट के खतरे को देखकर दून की जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर सख्ती। मीलों दूर बैठे लोगों से करोड़ों की ठगी, दमन दीव पुलिस ने कबूतरबाज को पहाड़ में दबोचा। अवैध खनन होने पर एसडीएम को लेकर सीओ तक होंगे जिम्मेदार, डीएम ने निगरानी के लिए बनाई टीम। मिशिगन के स्कूल में 15 साल के छात्र ने चलाई गोलियां, 3 की मौत और 8 हुए घायल। पाक आर्मी को झटका, एससी ने कहा, फौज का काम मुल्क की हिफाजत, बिजनेस करना नहीं।
फ्रांस में टीवी पर्सनालिटी एरिक जेमो अब लड़ेंगे राष्ट्रपति चुनाव, इस्लाम को बनाते रहे हैं निशाना। वैक्सीन के तीन डोज के बाद भी ओमिक्रॉन का संक्रमण, कनाडा ने मिस पर लगाया बैन। लूच नेताओं से डरी इमरान सरकार, पीटिया में एनपी प्रमुखों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। चार सौ साल बाद बारबाडोस को ब्रिटेन से मिली आजादी, बना सबसे नया गणतंत्र। आम माफी के बाद भी तालिबान ने की करीब 100 पूर्व सरकारी कर्मियों और सुरक्षा कर्मियों की हत्या। पाकिस्तान के सैन्य शस्त्रागार का बढ़ने के लिए चीन पहुंचा रहा मदद, हथियारों के लाइसेंस दिए। ओमिक्रॉन से बचाव के लिए जरूरी कदम उठाएं सभी देश, यात्रा प्रतिबंध काफी नहीं। डॉक्टर फासी का बड़ा बयान, ओमिक्रॉन है कितना खतरनाक बताना है मुश्किल, डॉक्टर फासी के कारण असामान्य लक्षण नहीं दिखते। महंगाई का जोरदार झटका, दिसंबर में रसोई गैस हुई 100 रुपए से ज्यादा महंगी। पीएनबी ग्राहकों के लिए जरूरी खबर, आज से सेविंग अकाउंट पर ब्याज दरों में हुआ है बड़ा बदलाव। हुंडई अल्काज़र के नए वेरिएंट में हुआ है बड़ा बदलाव, अब 7 सीटर ऑप्शन के साथ मिलेगी कई खूबियां। बजाज फाइनेंस और एचडीएफसी ने जमा पर ब्याज दरों में किया है इजाफा। निर्मला सीतारमण बोली, क्रिप्टो करेंसी एक जोखिम भरा क्षेत्र, जल्द पेश किया जाएगा बिल। शेयर बाजार की धांसू शुरुआत, सेंसेक्स निफ्टी खुलने के बाद सरपट भागे। विजय माल्या पर फिर कसेगा शिकंजा, सुप्रीम कोर्ट ने की सख्त टिप्पणी। चालू वित्त वर्ष के लिए सरकार को 15.06 लाख करोड़ राजकोषीय घाटे का अनुमान। हवाई यात्रियों को झटका, टिकट के दाम हुए दुगने, नई गाइडलाइन भी लागू। आर्थिक मोर्चे पर मिली बड़ी राहत, कोरोना के बीच पटरी पर लौटी इकोनॉमी। केएल राहुल पंजाब किंग्स टीम में रुकना ही नहीं चाहते थे, कोच अनिल कुंबले ने किया खुलासा। केविन पीटरसन ने भारत को बताया सबसे शानदार देश, पीएम मोदी को कहा शुक्रिया। आईपीएल 2022 में 8 टीमों ने 27 खिलाड़ियों को किया रिटेन, राहुल और पांड्या बाहर।
धोनी अब सीएसके के सबसे महंगे खिलाड़ी नहीं, रविंद्र जडेजा ने ली जगह। वसीम जाफर ने की यूएसए के कप्तान की तारीफ, बोले अपनी। दक्षिण अफ्रीका कोच की उड़ती उर्दू वायरल, पाकिस्तान के गेंदबाजी कंसल्टेंट फिलैंडर की विदाई, ड्रेसिंग रूम में उर्दू की स्पीच दी तो हंसने लगे प्लेयर्स। भारत का साउथ अफ्रीका दौरा नहीं होगा कैंसल, बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली ने किया कंफर्म। कोलकाता नाइट राइडर्स ने दी विदेशी, तो दो भारतीय खिलाड़ी को अगले सीजन की किया रिटेन, आंद्रे रसेल लिस्ट में शामिल। दुनिया भर में मेसी का डंका, मेसी को मिला फुटबॉल का सबसे बड़ा बेलो ड्योर अवार्ड, रोनाल्डो टॉप थ्री में नहीं पहुंचे। रिटेंशन में आर3 को मिली सबसे ज्यादा रकम, सूर्य कुमार यादव ने काटा ईशान का पत्ता। एक्टर विनीत कुमार सिंह ने अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड रुचिरा से की शादी, पत्नी के साथ शेयर की तस्वीरें। बोनी कपूर ने बनाया इंस्टाग्राम पर अकाउंट, बेटे अर्जुन ने कहा अपने सभी बच्चों पर नजर रखने आए हैं। विकी कौशल से शादी के बाद 15 दिसंबर से मैरी क्रिसमस की शूटिंग शुरू करेंगी कैटरीना कैफ, फिल्म में विजय सेतुपति भी आएंगे नजर। केआरके ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर प्रधानमंत्री मोदी पर साधा निशाना, बोले मैंने कहा था कुछ बड़ा होने वाला है। सलमान खान के साथ बिग बॉस में पुष्पा का प्रमोशन करते नजर आए अल्लू अर्जुन, फिल्म में सामंथा रुथा प्रभु पुष्पा में अल्लू अर्जुन के साथ स्पेशल डांस नंबर कर दी आएंगी नजर। ब्रिक्स फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट एक्टर चुने गए धनुष, धनुष को डायरेक्टर वेट्रीमारन की तमिल फिल्म असुरन में शानदार एक्टिंग करने के लिए इस अवार्ड से किया गया नवाजा। कौन बनेगा करोड़पति 13, होस्ट अमिताभ बच्चन ने पूरे सीजन की शूटिंग अगले महीने की 17 तारीख को टीवी पर टेलीकास्ट होगा ग्रैंड फिनाले। शो गुम है किसी के प्यार में फेम डील, बट ऐश्वर्या शर्मा ने लिए 7 फेरे, शादी की रस्म के वीडियो हुए वायरल। कभी ईद कभी दिवाली के लिए सलमान खान ने घटाई अपनी फीस, अब प्रोड्यूसर दोस्त से लेंगे इतने पैसे। शादी को लेकर नया खुलासा, 14 लाख महंगा राजा मानसिंह रानी पद्मावती स्वीट किया। आज के प्राइम 100 में फिलहाल बस इतना ही, और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।